नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई रिक्शा में कौन सा बैरिंग कहां कहां लगता है। तो पहले हम आते हैं, हमारे पास जो है ये आपका 1 2 3 4 5, ये जो है हमारा ये तीन बैरिंग जो है ये 1 2 3, ये तीन बैरिंग तीन साइज का है जो कि हमारे ई रिक्शा का हैंडल में लगता है। इसे बहुत कोई हैंडल रेसर भी बोलता है, बहुत कोई हैंडल का बेयरिंग भी बोलता है। ये तीन जो है साइज ये हैंडल का ई रिक्शा का हैंडल में लगता है। तो पहले जो आता है साइज ये आता है 125 या 91683 नंबर आप देख रहे होंगे, ये सबसे छोटा बेयरिंग होता है। हमारे ई रिक्शा में टोटल तीन तरह के ही बेयरिंग आते हैं जो कि आगे में जो आगे के हैंडल में लगते हैं। पहला जो होता है 91683 साइज, ये हमारा जो होता है छोटा लगता है, सबसे छोटा होता है, देख सकते हैं ये हो गया हमारा सबसे छोटा हैंडल का बेयरिंग। ये भी सेम टू सेम दोनों एक ही रहता है। उसके बाद हमारा आता है 32005, 32005, ये बेयरिंग भी हैंडल में ही लगता है, सभी रिक्शा के हैंडल में लगता है आगे में, जो कि सब में अलग अलग लगता है। किसी में 91683 जो दिखाया आपको ये छोटा वाला, किसी में ये लगता है 32005, ये भी मॉडल सिर्फ सब एक ही रहता है लेकिन छोटा बड़ा सिर्फ रहता है, ये हल्का सा बड़ा है। आप देख रहे होंगे ये हल्का बड़ा, ये जो लोहा जो ये गोल वाला प्लेट है, ये हमारा जो ई रिक्शा का जो आगे हैंडल के पास जो रहता है आपका चेचिस, उसमें ये लगता है, ये पहले लगता है उसको फिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद ये जो है टी के साथ इसमें बैठता है, ऐसे करके ऐसे घूमता है, हैंडल घुमाने पर ये भी घूमता है, ऐसा करना होता है। इसमें 32005 आता है, 30205, 30025, ये सबसे बड़ा बेयरिंग होता है रिक्शा का हैंडल का, जो कि बहुत से रिक्शा में भी ये लगता है, अधिकतर ई रिक्शा में ही लगता है 32005। ये भी सेम टू सेम आप देख सकते हैं, ऐसा ही सिर्फ इसका साइज जरा सा और बड़ा है, मतलब छोटा से बड़ा तक है, साइज इसका और बड़ा है, देख सकते होंगे। ये जो है ये ई रिक्शा का चेचिस में जो लगता है उसमें लगेगा, उसमें फिर ये बेयरिंग इस तरह फिट होगा, और नीचे वाला बेयरिंग ये इस तरह फिट होगा, नीचे वाला बेयरिंग ऐसे फिट होता है। अब हम आते हैं ई रिक्शा के आगे वाले व्हील के बेयरिंग में, आगे वाले चक्का के बेयरिंग में। आगे वाले चक्का में दो प्रकार के हब लगते हैं, एक 15mm एक्सल वाला हब, एक 12mm एक्सल वाला हब। और इसका जो बेयरिंग का साइज होता है 15mm वाला बेयरिंग के जो साइज होता है वो 6302 का होता है, और जो 12mm वाला का एक्सल का जो लगता है बेयरिंग, इसमें 6301 वाला बेयरिंग लगता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है कि इसका एक्सल थोड़ा मोटा होता है इसलिए 6302 का बेयरिंग लगता है, इसका एक्सल का पतला होता है इसलिए 6301 का लगता है। जैसे आपने देखा कि हैंडल का आगे का जो ई रिक्शा का हैंडल का आगे का बेयरिंग में ऐसा तीन प्रकार का बेयरिंग लगता है, तीन साइज का बेयरिंग लगता है, उसी प्रकार आगे का जो चक्का जो होता है चक्का में भी तीन प्रकार का बेयरिंग लगता है, एक 6302, एक 6301 और एक 6201 लगता है, आगे में भी तीन प्रकार का लगता है। अब ये बोलेंगे ये कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा इसमें लगेगा, इसमें ये जो बेयरिंग है ये जो आगे का चक्का में जो ब्रेक वाला ड्रम ब्रेक वाला जो रहता है आगे का आपका, उसमें ये 6201 बेयरिंग लगता है 12mm वाले एक्सल पे, मतलब 12mm एक्सल पे ये दोनों में से कोई एक बेयरिंग लगता है। ये हब है, हब में ये 6301 लगेगा, और अगर ब्रेक वाला ड्रम वाला ब्रेक वाला आगे का है उसमें 6201 का वाला लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6203, ये जो बेयरिंग है ये हमारा ये जो बेयरिंग आपका हमारे ई रिक्शा के मोटर में पिनियन जो होता है उसमें लगता है, हमारे मोटर के जो पिनियन होता है जो शाफ्ट जिसे कहा जाता है मोटर शाफ्ट, उसमें दो बेयरिंग लगते हैं, एक आगे में जो होता है एक 6203 का बेयरिंग लगा होता है और पीछे जो होता है 6201 का बेयरिंग लगा होता है। हमारे मोटर में दो प्रकार के बेयरिंग लगते हैं 6203 और 6201।
मोटर समझ गए। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि ई रिक्शा का पिछले वाले चक्का में जो एक्सल में जो बेयरिंग लगता है वो हमारा 6205 का बेयरिंग लगता है। आप देख सकते हैं 6205 का बेयरिंग हमारे ई रिक्शा के पिछले वाले चक्का के एक्सल में लगता है। दोनों एक्सल में एक एक करके लगता है, एक साइड में एक, दूसरे साइड में एक, 6205। इसे आप देख भी सकते हैं, ये बेयरिंग जैसा होता है नॉर्मल बेयरिंग होता है 6205। अगर आपका जो ई रिक्शा होता है पीछे जो पीछे से आवाज़ आ रहा है घटघट घटघट या मतलब अल्टर टाइप का आवाज़ जो एक साइड से आ रहा है, तो आप सोच लेना कि आपका बेयरिंग टूटा हुआ है या बेयरिंग थक हो गया है, तो वो आप खोल के इसे चेंज कर दीजिए, आपका जो है आवाज़ बंद हो जाएगा। जब आपके आगे वाले चक्के के बेयरिंग टूट जाता है तो वो बहुत जोर से साउंड करने लगता है, खट 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 या इसी तरह का बहुत तरह का साउंड करने लगता है। उस स्थिति में हमारा बेयरिंग आगे का चक्का का टूटा हुआ रहता है। उस स्थिति में अगर आप बेयरिंग चेंज कर देते हैं तो आपका गाड़ी का आवाज़ आगे चक्का का आवाज़ खत्म हो जाएगा। इसमें दो बेयरिंग लगते हैं, एक ये साइड एक ये साइड, इसमें भी दो बेयरिंग लगते हैं, एक साइड साइड, ठीक है। और हैंडल वाले जब हैंडल में जो आप हैंडल का जब बेयरिंग टूटता है तो आप जब हैंडल मोड़ते हैं तब आपका हैंडल जो है कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करता है। अगर ऐसा आवाज़ कर रहा है हैंडल मोड़ने से तो सोच लीजिए आपका बेयरिंग टूटा हुआ है। तो बेयरिंग आप अगर चेंज कर देते हैं तो आपका हैंडल वाला जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और हैंडल भी आपका फ्री हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम आपको समझा देंगे। इस चैनल पे अच्छे से वीडियो बना के हम देते रहेंगे आपको, और आप लोग देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।